दोस्तों, सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर अक्सर आपने देखा होगा कि पेड़ों की जड़ों के ऊपर सफेद और लाल रंग से पेंट किया जाता है। पेड़ों के निचले हिस्सों पर पेंट करने का यह तरीका काफी पुराना है, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता? दरअसल इसके पीछे ऐसे कई वैज्ञानिक कारण हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। दोस्तों, पेड़ों के निचले हिस्सों पर पेंट करने का यह तरीका काफी पुराना है। दरअसल इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि हरे भरे पेड़ों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करना। अक्सर आपने देखा होगा कि समय से पहले पेड़ों में काफी ज्यादा दरारें आ जाती हैं और उनकी छाल भी निकलने लगती है, जिसके कारण पेड़ कमजोर होकर समय से पहले ही गिर जाते हैं। ऐसे में पेड़ों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनके नीचे वाले हिस्सों पर लाल और सफेद रंग की पट्टियों के द्वारा पेंट किया जाता है, ताकि पेड़ों को मजबूती प्रदान हो, जिसके कारण वो लंबे समय तक खड़े रहकर हम सबको जीवन प्रदान कर सके। और पेंट करने से पेड़ों की उम्र भी बढ़ती है। इसके साथ ही पेड़ों को पेंट करने के पीछे का एक उद्देश्य यह भी है कि उनमें दीमक और कीड़े भी ना लग सके, क्योंकि ये कीड़े किसी भी पेड़ को अंदर से खोखला कर सकते हैं। लेकिन पेंट करने की वजह से पेड़ों में कीड़े नहीं लग पाते। पेड़ों पर पेंट करना यह इस बात का भी संकेत देता है कि वो पेड़ वन विभाग की नजर में आ चुके हैं और उन पेड़ों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती, जिसके साथ ही उनकी कटाई भी नहीं की जा सकती। कुछ जगहों पर पेड़ों को रंगने के लिए सफेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे भी कई सारी जगह हैं जहां पर पेड़ों को लाल और नीले रंगों से पेंट किया जाता है। दोस्तों, पेड़ों के रंगने का एक और वैज्ञानिक कारण है, जिसके द्वारा रात के अंधेरे में सफर करने वाले यात्रियों को वो पेड़ आसानी से दिख जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होने से भी बच जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल शानदार खबर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।